तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का झूठा वीडियो शेयर करने के आरोपित मनीष कश्यप से अब तमिलनाडु पुलिस पूछताछ करेगी। मंगलवार को कोर्ट की अनुमति के बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष को अपने साथ ले गई। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष से 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। यूपी के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव के कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ मंगलवार को प्रोडक्शन वारंट जारी किया। तमिलनाडु पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट देने का आग्रह किया था। अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को 31 मार्च तक मदुरई की अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस 15 दिनों की रिमांड मांगेगी। तमिलनाडु में एक दर्जन प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें करीब 6 कांडों में मनीष कश्यप को अभियुक्त बनाया गया है। यूयू की टीम उसके सहयोगियों की तलाश कर रही है। मनीष के सहयोगी और यूट्यूब संचालक मणि द्विवेदी के साथ वीडियो प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह राजपूत की भी तलाश में की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।